हिंदी टाइपिंग करना बहुत ही आसान है, आपका कंप्यूटर है लैपटॉप हो। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसमें आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के बारे में बताया है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे एक्सटेंशन के बारे में जिसकी मदद से आप हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे अपने ब्राउज़र में या किसी पर्पज़ के लिए। आप हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं, हिंदी में कंटेंट राइटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब आपको हिंदी में आवश्यकता होता है टाइप करने का, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही यूज़फुल एक्सटेंशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। गाइस, मेरा नाम है रजेश मौर्य, आप देख रहे हैं टीजीएस स्मार्ट टेक यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे आपको उस एक्सटेंशन को यूज़ करना है और उस एक्सटेंशन का नाम क्या है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको बताते हैं। सो फाइनली हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट खोल ओपन कर लेना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ से ओपन कर लिया है। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ इंग्लिश में टाइप हो रहा है। सो हिंदी में टाइप करने के लिए आपको यहाँ से डायरेक्टली भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं, जैसे टूल में यहाँ पे ऑप्शन है, आपको वॉइस टाइपिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं जैसे कंट्रोल शिफ्ट एफ से, और यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप हिंदी में वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट में जो कीबोर्ड टाइप करूँ, जैसे कि कंप्यूटर में इस तरह मैं टाइप करूँ तो हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाए, उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन यूज़ करना होगा जिस एक्सटेंशन का नाम है गूगल इनपुट टूल, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करके इस एक्सटेंशन को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐड टू क्रोम। इस एक्सटेंशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस एक्सटेंशन को डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इस एक्सटेंशन में कुछ सेटिंग्स करना होगा, जैसे कि एक्सटेंशन ऑप्शन है, इसमें आपको कौन कौन से लैंग्वेज ऐड करना है। आपको बहुत सारा लैंग्वेज मिल जाएगा जो भी आप सर्च करें, जैसे बांग्ला, कन्नड़ा, जो भी है। सो मैं हिंदी ऐड करूँगा, हिंदी में आपको आना है, यहाँ पे हिंदी है, सो यहाँ पे हिंदी है, तो यहाँ पे ए वाला लैंग्वेज मुझे ऐड करना है, ठीक है। और भी चाहें तो आप यहाँ पे देवनागरी, फिटनेस और स्क्रिप्ट दोनों है, जहाँ पे आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए, कीबोर्ड की मदद से आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी करना है तो आपको ये वाला इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी मैंने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद इस एक्सटेंशन का थोड़ा शॉर्टकट हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको इस नीचे वाला सेक्शन नेक्स्ट इनपुट टूल, इसमें आपको जो भी न्यू शॉर्टकट चाहिए वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल एच भी आप दे दिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर मान लीजिए टाइप कर रहे हैं, वन सेकेंड इस सबको क्लोज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं हिंदी, हो गया टाइपिंग, यहाँ पे हिंदी मैंने टाइप कर दिया, और यहाँ से इंटर टाइप करेंगे आ जाएगा हिंदी टी वाई करना सीख। इस तरह से आप हिंदी टाइप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और यहाँ से फिर आप शॉर्ट कोड का यूज़ करके कंट्रोल एच से आप फिर यहाँ से इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और भी इस तरह वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।